हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अर यूट्यूब चैनल वंस अगेन माय नेम इज़ नाजनीन शेख सबसे पहले तो मुझे आप सबको थैंक यू बोलना है आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया जब हमने 4.1 अपना नॉवल का सेक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया था उसके लिए सो थैंक यू सो सो वेरी मच वो निकाला है इस नॉवल में से टू सर्व विद लव ओके ना दिस इज़ हाउ वी आर एग्जैक्टली गोइंग टू स्टार्ट विद द नावल ना चैप्टर 17 जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें से लिखा हुआ है टू सर्व विद लव ओके द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल वॉज ऑन नवंबर फिफ्टीन यानी कि हाफ ईयरली स्टूडेंट को जो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है स्टूडेंट काउंसिल की वो कभी होती है नवंबर फिफ्टीन को सबमिट करनी थी तो यानी कि यहाँ पर पास्ट में बात चल रही है इसलिए उन्होंने क्या किया वहाँ का डेट और मंथ जो है वो मैंशन किया है एंड वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज इन द कैलेंडर ऑफ ग्री ग्रीन स्लेट स्कूल अब ये इम्पोटेंट डे हैं स्कूल में क्यों क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल्स की रिपोर्ट जो होती है वो सबमिट होती है आई हैड हर्ट क्वाइट डील अबाउट दीज ओकेजन एंड बिकम एज एक्साइटेड एज द चिल्ड्रेन एज द डे अप्रोच हम न लेटर बोल रहे हैं क्योंकि यह दिन बहुत स्कूल के लिए जरूरी था तो स्कूल के साथ साथ बच्चों के लिए भी जरूरी था इसलिए वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या थे एक्साइटेड थे इट वॉज एंटायरली देड डे यानी कि किसका दिन था बच्चों का दिन था क्योंकि क्यों क्योंकि अरेज प्रेजेंटेड एंड कंट्रोल बायम यानी कि ये जो अरेंजमेंट होती थी ये सारी के सारी किसकी तरफ से होती थी जो स्टूडेंट काउंसिल हुआ करते थे उनकी तरफ से अरेंजमेंट होती थी आई ऑब्जर्व द एक्टिविटीज ऑफ दाई क्लास एज दे दिपेड फॉर इट नोटिंग विद द प्राइड द बिजनेस लाइक वे इन विच वर एलोकेटेड एंड फिटेड इन टू नीट प्रोग्राम अब ये जो थे नरेटर जो है ऑथर जो है वो क्या बोलते हैं कि मैं हर एक चीज को क्या करा था ऑब्जर्व करा था किस तरीके से मेरे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कितना मेहनत

द चिल्ड्रेन अराइव्ड स्मार्टली ड्रेस्ड एंड पॉलिश यानी कि जो बच्चे जब आए तो कैसे आए वो लोग बच्चे जब आए वो बहुत ही स्मार्टली ड्रेस थे अच्छे से कपड़े पहने थे उन्होंने प्रेस किए हुए कपड़े पहने थे पॉलिश थे एकदम सर से पाओ तक खुद को जैसे एक स्टूडेंट को आना चाहिए वेल वेल मैनर के साथ साथ वैसे आए थे एंड जोसेफ एंड डेनहम Who seemed to be the important officials for the occasion moved about among their colleagues, ensuring that each one was ready to play his or her part. यानी कि अब मिस जनहम जो है और मिस जोसेफ़ जो है ये भी क्या करने आए थे ये भी अपनी पूरी तैयारी के साथ में आ गए थे और बेल वॉज ड्रिंग है टेन ए एम एंड एवरी वन ट्रूप टेन टू दोरियम टू सिट टूगेदर अब सुबह दस बजे जो है मॉर्निंग में क्या होती है बेल रिंग होती है एवरी वन ट्रूप यानी कि सारे का सारा झुंड जो है ग्रुप जो है बच्चों का एक साथ आ गया कहाँ कर बैठ गए सब ऑडिटोरियम में आकर बैठ गए ना मिस जोसेफ एंड डेनहम द टू मोस्ट सीनियर स्टूडेंट हैं मिस जोसेफ है और कौन है डेनहम है ये दोनों कौन है सीनियर स्टूडेंट्स हैं तो ये आकर स्टेज पर बैठ गए मिस्टर फ्लोरियन बीच में है और यहाँ पर मिस जोसेफ और डेनहम जो है वो आकर बैठ गए हैं वन ऑन ईच साइड ऑफ मिस्टर फ्लोरियन मिस्टर फ्लोरियन कौन है वो एज सून एज एवरी वन वॉ सी साइलेंट स्टूडेंट एड्रेस द स्कूल यानी कि मिस्टर फ्लोरियन ने क्या किया एड्रेस किया स्कूल को एड्रेस किया यानी कि जिन्होंने स्पीच के साथ में शुरुआत की जिन्होंने उस पूरे ओकेजन की शुरुआत की He spoke at length reiterating the aims and policy. Spoke at length यानी कि थोड़ा सा उनकी स्पीच जो थी वो लंबी थी Reiterating यानी कि बार 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 बार, बार चीजें repeat कर रहे थे किसके बारे में aims और policy जो है school की उसके बारे में And of the important contribution each child could make to the furtherance of those aims यानी कि हर एक बच्चे का contribution जितने भी आप suggestions दोगे जो भी report submit करोगे तो school को आगे बढ़ाने में वो कितनी importance रखती है ये उन्होंने क्या कर अपने स्पीच में बताया है ही प्रे It was कि जहां पर जरूरत पड़ी वहाँ पर उन्होंने बच्चों की तारीफे भी की बट इंसिस्टेड येट अ ग्रेट डील टू बी डन लेकिन तारीफें करने के साथ साथ ये भी बताया कि अभी भी हमारी और अच्छी से बातें होना बाकी है बाय बायसेल्स टॉवर्ड्स अ जनरल इम्प्रूवमेंट इन कंडक्ट क्लीनलीनेस एंड द पॉजिट ऑफ नॉलेज कंडक्ट का मतलब होता है आज भी ज़रूरत है किन चीज़ों की कंडक्ट यानी कि बिहेवियर की, की ज़रूरत है क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई की जरूरत है और नॉलेज को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए इन सारी चीज़ों की आज भी जरूरत है एज ए लिसन आई रियलाइज दैट दिस मैन वॉज इन नो वे रिमोट फ्राम ए स्कूल तो यहाँ पर बोला जा रहा है जैसे ही उन्होंने सुना उन्होंने क्या रियलाइज़ किया दिस मैन वॉज इन नो वे रिमोट फ्राम स्कूल वो कभी अपने स्कूल से दूर नहीं थे हिज रिमार्क्स ऑल शो दैट ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद इट एंड एवरी वन एंड यानी कि इनके जो भी रिमार्क्स है जो भी वो बोल रहे हैं वो क्या बताया जा रहा है उससे क्या समझ में आ रहा है कि हर कोई क्या है स्कूल का एक हिस्सा है ही देन विश देन सक्सेस विद द काउंसिल मीटिंग एंड लेफ द स्टेज टू ट्रेमेंडस अपलॉज अब जैसी उनकी स्पीच खत्म हो गई किसकी स्पीच चल रही है अब तक मिस्टर फ्लोरियन की स्पीच खत्म हो गई तो वो क्या किए सबको ऑल द बेस्ट उन्होंने विश किया बेस्ट ऑफ लक विश कर दिया काउंसिल मीटिंग के स्टेज से हटकर वो क्या चले गए वहाँ से हट गए एंड विदाउट ट्रेमेंडस अपलॉज यानी कि लोगों की वहाँ पर क्या चल रही थी उन, उनके लिए जैसे ही हमारे स्पीकर की स्पीच खत्म होती है तो हम सब तालियाँ बजाते तो उनके लिए जो है वो क्या हो रहा था तालियाँ बज रही थी थिंग्स नाव मूफ्ड क्विकली इन टू गेयर फर्स्ट अब जैसे ही उनका स्पीच मिस्टर फ्लोरियन का ख़त्म हो गया तो स्पीच खत्म होने के बाद क्या हो गया अब चीज़ें जो है वो स्टूडेंट काउंसिल की जो रिपोर्ट है वो स्टार्ट हो गई थिंग्स नाव मूफ्ड क्विकली इन टू गेयर अब शुरुआत हो गई फर्स्ट मिस जोसेफ स्टूडप एंड गेव अ शॉर्ट एक्सप्लेन ऑफ द काउंसिल्स पर्पज एंड एक्टिविटी तो यहाँ पर क्या हुआ मिस जोजफ जो है वो खड़े हो गई खड़े होकर उन्होंने क्या किया एड्रेस किया क्या बताया उन्होंने काउंसिल का पर्पज़ क्या है आज जो स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग रखी गई है क्यों रखी गई है और क्या एक्टिविटीज़ उसके अंदर परफॉर्म होने वाली है

एक सब्जेक्ट के लिए एक-एक रिप्रेजेंटेटिव -एक को सिलेक्ट किया गया है व्हेन ऑल द क्लासेस हैव कंप्लीटेड देयर रिपोर्ट्स अ पैनल ऑफ टीचर्स वुड बी इनवाइटेड टू ऑक्युपाई द स्टेज अब क्या होगा जैसे ही सब बच्चों का टॉपिक पर बोलकर खत्म हो जाएगा उनका रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा और पैनल ऑफ टीचर्स वुड बी इनवाइटेड अब स्टेज पर एक पैनल ऑफ टीचर्स आएंगे एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हॉल ऑन मैटर्स आउट ऑफ द मेटर्स रिपोर्ट अब जो भी रिपोर्ट बनेगी उस रिपोर्ट में से जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिकली तो उसका आंसर ये पैनल ऑफ टीचर्स को देना होगा द सिलेक्शन ऑफ द पैनल एज विथिंग एल्स वजटायर एट द द्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रेन एंड नो ऑफ द स्टाफ न्यू हाउ मेनी और टीचर्स वुड मेबर्स वीवाइटेड टू सेट अब ये जो पैनल टीचर्स का सिलेक्ट किया जाएगा ये कोई स्कूल अथॉरिटीज नहीं सिलेक्ट करने वाली है कौन सिलेक्ट करने वाला है ये पैनल ये पैनल बच्चे ही सिलेक्ट करने वाले हैं यहाँ तक कि टीचर्स को भी नहीं पता था कि कौन सा टीचर स्टेज पर आकर बैठेगा उस पैनल का मेंबर होगा जो वहां पर बैठ कर क्या करेगा बातें करेगा और बच्चों के क्वेश्चन का आंसर करने वाला है द रिपोर्ट बिगेन विद द लोवेस्ट और यंगेस्ट क्लास फर्स्ट तो रिपोर्ट जो है वो कैसे चालू होगी सबसे पहले लोवेस्ट क्लासेज जो है उन्होंने स्टार्ट की दी इज वेर मेनली ट्वेल्व इयर ओल्ड हुइन द स्कूल द प्रीवियस समर ये बारह साल के बच्चे जिन्होंने प्रीवियस समर में ही क्या किया हैं स्कूल जो है वो ज्वाइन की है मोस्ट ऑफ देम वेर शाई एंड रेदर फ्राइटेंड एट स्टैंडिंग अप बिफोर द इंटायर स्कूल बट नवर दैस दे मैनेज इट क्रेड क्रेडिटेबली दे हैड बीन न्यूली इंट्रोड्यूस टू द डिफिकल्टीज ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन फॉर सो द रिपोर्ट वॉज अंडरस्टैंडेबली रेट द शॉट अब क्योंकि ये जो लोवेस्ट ये जो यंग बच्चे जो हुआ करते थे ये थे तो ये बच्चे के होने की वजह से क्या हो गया अब इन्होंने लास्ट समर में ही स्कूल ज्वाइन किए तो इन्हें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था स्टेज के सामने खड़े रहकर लोगों से बात करने का इंट्रैक्ट करने का तो कुछ बच्चे डर भी गए थे लेकिन धीरे 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 उन्होंने क्या किया जैसे यहाँ का जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करने लग गए बोलने लग गए तो उन्होंने स्टेज पर अपने उस डर को कंट्रोल कर लिया और हरे हर एक चीज़ को क्या किया मैनेज कर लिया उसी के साथ साथ इनकी जो रिपोर्ट हुआ करती इट वॉज रेदर शॉर्ट क्योंकि उनके लाइफ में लाइफ में नहीं मतलब स्कूल इस स्कूल में ये पहली बार ये चीज थी उनके लिए तो उनकी रिपोर्ट जो है वो तो थोड़ी सी शॉर्ट हुआ करती थी ना क्लास आफ्टर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड एंड इट वॉज ऑब्वियस दैट ईच सक्सीडिंग टर्म देर वॉज अ मार्क्स डेवलपमेंट अब क्लास बाई क्लास क्या होता था एक एक क्लास से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे एक एक सब्जेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं इट वॉज ऑब्वियस दैट ईच सक्सीडिंग टर्म यानी कि जैसे जैसे एक एक टर्म गुजर रहा है हर एक टर्म के गुजरने पर क्या होगा एक डेवलपमेंट होगा यानी जो एक फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा बात करेगा सिमिलर तरीके से सिक्स स्टैंडर्ड का बच्चा बात नहीं करेगा एक डेवलपमेंट एक ग्रोथ एक मेजोरिटी दिखकर आएगी बच्चों के अंदर तो सिमिलरली क्या होने लग गया यहाँ पर इन दर एबिलिटी टू एक्सप्रेस दिमसेल्व यानी कि उनका डेवलपमेंट किस तरीके से बढ़ रहा है ये तब पता चलता है जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं किसके सामने ऑडियंसिस के सामने मच ऑफ द वर्क वॉज रेदर एलिमेंट्री बट टू देम इट लूम्ड लार्ज यानी कि बहुत सारा काम तो एलिमेंट्री था स्कूल से रिलेटेड उनके बॉस वर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी लेकिन कई बार क्या होता था बिकॉज दे अंडरस्टूड इट एंड ऑफ इट्स रिलेशनशिप टू दैम लेकिन बच्चों को कई बार समझ में आता था हमने जो कुछ भी पढ़ा है हाउ इट इज कनेक्टेड टू अस

तो जैसे पॉटर को बोला गया एरिथमेटिक के लिए सेपियानो को बुलाया गया नेचर स्टडी के लिए मिस पैगन जैक्सन ने जोग्राफ़ी के ऊपर बात की मिस डेर एन फोनमैन ने फिजियोलॉजी के ऊपर बात की मिस डॉड ने हिस्ट्री पर बात की डेनहम ने पी और गेम्स पर बात की मिस जोसेफ ने डोमेस्टिक साइंस के ऊपर बात की यानी कि इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर इन सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है अपने रिपोर्ट को सबमिट किया है आई फेल स्टेडिबली प्रेज एंड प्राउड टू सी द कॉन्फिडेंट कर्टर्थ विच डेनहम यूज द टर्म मिस इन अड्रेसिंग ईच ऑफ़ द सीनियर गर्ल्स यानी कि यहाँ पर क्या हो गया जो ऑथर है वो बोल रहे मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब डेनहम जो है उन्होंने हर एक लड़की के बारे में जब उनका नाम ले रहे हैं उनको बुला रहे तो मिस करके उनको एड्रेस कर रहे हैं सीनियर गर्ल्स को आई फील श्योर दैट दिस वुड इन इट सेल्फ भी समथिंग फॉर द यंगर व सॉर्ट ऑफ बैच ऑफ यंग एडल्टुड यानी कि जब आप सीनियर गर्ल्स को मिस करके एड्रेस कर रहे हो उनके नाम के आगे ऐसे बुला रहे हो तो ये एक चीज़ सीखने वाली है किसके लिए सीखने वाली है जो लोअर क्लास के बच्चे हैं उनके लिए सीखने वाली है कि किस तरीके से आपको किसी को रिस्पेक्टफुली बुलाना है तो so, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है जैसे जैसे इन बच्चों का नाम बुलाया गया तो उनको क्या लगा हर कोई प्राउडली आने लग गया स्टेज पर बातें करने के लिए मिस जोस अब जोसेफ ने क्या किया उन्होंने एक शॉर्ट एड्रेस यानी कि अपनी क्लास से रिलेटेड एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन uh, जो है वो शेयर कर दी ऑडियंस के साथ शी सेट अ पर्टिकुलर बायस द ट्रदर ऑफ मैन काइंड जब इन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या बोला कि उनकी जो स्टोरी है जो वो बता रहे हैं जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी बायस्ड है बायस्ड है किस चीज के ऊपर बात करी है ब्रदरहुड ऑफ मैन काइंड एंड दैट दे हैड बी लर्निंग थ्रू ईच सब्जेक्ट हाउ ऑल मैन काइंड वॉज इंटर डिपेंडेंट इन स्पाइट ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन एंड डिफ्रेंसेज कलर रेसिस एंड क्रीड यानी कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने जो पढ़ाई से उनको जो लर्निंग मिली है वो ये बताती है कि हर एक इंसान तो सेम है लेकिन हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन क्रिएट किया है किस चीज़ों के ऊपर जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर हम लोगों को अलग समझते हैं उसी के साथ साथ कलर हो गया रेसिस हो गया उनके कल्चर्स हो गए उनके रिलीजन्स हो गए तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने क्या किया है हम आपस में भाईचारा है बोलते तो है ब्रदरहुड बोलते हैं लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करते हैं लोगों के बीच में डिफ्रेंसिस या डिफ्रेंशिएट भी माना करते हैं Then she called on Potter. Potter went on to speak. रिलेशनशिप बिटवीन द किलोग्राम एंड द पाउंड मीटर एंड द फुट तो, तो, तो यहाँ पर पॉटर ने किसके बारे में बात की है वेट्स मेजर्स के तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर किस चीज का रिलेशनशिप उन्होंने समझाया है जो उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से किलोग्राम्स के ऊपर है पाउंड्स के ऊपर है मीटर्स के ऊपर है फुट के ऊपर है ही सेट दैट थ्रू आउट द वर्ल्ड वन और और अदर ऑफ टू इन यूज अंडरस्टूड एंड दैट इट वॉज द ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग विच वॉज बिंग एक्म्पलिश बिटवीन पीपल्स तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं जो उनका टॉपिक है अरेथमेटिक्स जिसके अंदर उनको वेट्स एंड मेजर्स पे बात करना है तो वो बोल रहे हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कोई मेजरमेंट जो है जो वेट्स है वो क्या हो रहा है यूज हो रहा है कोई एक या कोई दूसरा या हो सकता है एक साथ दो भी यूज़ हो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इन सब का यूज़ जो है वो हो रहा है और ये सारी चीज़ें किसका सिम्बॉल है अ सिम्बॉल ऑफ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग विच वॉज बिंग एक बिटवीन पीपल यानी लोगों के बीच में आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ये उसको क्या करती है दर्शाती थी, है उस चीज़ का सिम्बॉल है ये अब सैपियानो की बारी आती है तो सैपियानो स्पोक ऑफ द स्टडी द क्लास हैड मेड ऑफ पेस्ट स्पेशली Black rot on wheat, ball weevil cotton and the Colorado beetle on potatoes. ही शोड हाउ मेनी कंट्रीज हैड पूल्ड द नॉलेज एंड रिजल्ट ऑफ रिसर्च एंडेवीर ब्रीडिंग हैबिट्स एंड माइग्रेशन ऑफ द बेस्ट यानी कि इन्होंने कंप्लीटली बात की है पेस्ट के ऊपर तो उससे रिलेटेड इन्होंने बताया ब्लैक रॉड जो होते हैं वीट के ऊपर उसके बारे में बताया बीट एल और पोटैटोज जो होते हैं उसके ऊपर बताया और किस तरीके से हर एक हर एक कंट्री इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कर रही है रिसर्च कर रही है उनके बिहेवियर के ऊपर ब्रीडिंग हैबिट्स के ऊपर रिसर्च कर रही है माइग्रेशन ऑफ दीज पेस्ट एंड वे ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द थ्रेड दे रिप्रजेंटेड टू दिस इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट

मिनरल डिपॉजिट्स तो जैक्सन ने किसके ऊपर बात किया मिनरल डिपॉजिट्स के बारे में है वेजिटेबल प्रोड्यूस ओवर द अर्थ surface. हाउ अ कंट्री रिच इन वन वॉज ऑफन डिफिशियंट इन दी अदर तो यहाँ पर जोग्राफी में उसने कौन सा जो अपना टॉपिक सिलेक्ट किया था डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का मिनरल डिपोजिट्स का उसी के साथ साथ वेजिटेबल का तो वो बता रहे कैसे एक कंट्री एक चीज़ में तो रिच है रिच यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी के पास मिनरल डिपोजिट्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन दूसरी चीज़ में वो डिफिशियंट है डिफिशियंट यानी कि कम है कम है मतलब हो सकता है वेजिटेबल उत, उतने उनके पास ग्रो नहीं होते होंगे वेजिटेबल का प्रोडक्शन है एंड ऑफ द इंटरचेंज एंड इंटरडिपेंडेंस विच एविटेबली फॉलोड तो यानी कि कंट्रीज यहां पर आपस में क्या है इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर मिस पैक डेल्ट विद ह्यूमन रिलेशनशिप्स अब मिस पैक ने जो बात किया किस किसपे बात किया ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे उन्होंने क्या बोला स्ट्रेसिंग द प्रॉब्लम्स फेसिंग द पोस्ट वॉर वर्ल्ड फॉर फीडिंग क्लोदिंग एंड हाउसिंग इट्स पॉपुलेशन तो यहाँ पर ये ह्यूमन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है ह्यूमन रिलेशन के ऊपर वर्ल्ड वॉर होने के बाद कितने लोग जो है वो सफर करते हैं किस चीज़ से खाने से रिलेटेड हो गया आपका क्लोदिंग कपड़ों से हो गया घर से रिलेटेड हो गया उनके पॉपुलेशन जो एक कंट्री का पॉपुलेशन जब वॉर होता है तो क्या क्या चीजों से सफर करता है शी ऑल्सो मेड अ रेफरेंस टू द थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजीज अब वो बात कर रहे हैं कि उन रेफ्यूजीज़ का क्या होता होगा जो स्टेटलेस है एंड अनवांटेड है जो रेफ्यूजीज़ होते हैं बेसिकली जो किसी स्पेसिफिक कंट्री को बिलोंग नहीं करते हैं तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है उन रेफ्यूजीज़ के बारे में कभी कोई नहीं सोचता है कि ये कहाँ रहेंगे इनका घर क्या होगा बेसिकली उनको अनवॉन्टेड करार दे दिया जाता है कि जो किसी भी कंट्री को नहीं चाहिए एंड टू द एफर्ट्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ यूनिसेफ़ तो यहाँ पर यूनिसेफ़ जो है ऐसे रेफ्यूजीज़ के लिए क्या किसी तरीके का कदम उठाती है उनके लिए कुछ करती है नेक्स्ट आते हैं हमारे फ़ोन अब इन्होंने किसके ऊपर बात की थी एज हैड अ ट्रम्प कार्ड अप हिज हिस्ती अब इसके पास ट्रम्प कार्ड था क्या कहा था इन्होंने वेन कॉल्ड ही मेड अ सिग्नल टू ऑफ स्टेज एंड वेल्श एंड एलिसन अपियड ओके अब फोन मैन ने क्या किया था जब वो आए स्टेज पे तो उन्होंने एक सिग्नल दिया किसी को यानी कि ऑफ स्टेज किसी को कोई इशारा दिया तो कौन आया वेल्श और एलिसन आ गए बेरिंग अ अ बिटवीन देम टुगेदर विद सॉर्ट ऑफ यानी कि इन्होंने क्या किया था अपने साथ स्केलेटॉन स्केलेटॉन वो लेते हुए क्या करते हैं आ जाते हैं वेन दिस अरेंजमेंट हैड अरेजमेंट है स्केलेटॉन हैंंग्राम अक्स क्रीड इन टू द टॉप ऑफ इट्स स्कल जेंटली रिवॉल्विंग एट द एंड ऑफ अ कॉर्ड यानी कि जब ये सेटअप उन्होंने कर दिया था अरेंजमेंट कर दिया था तो एक सेटअप था स्केले स्केलेटॉन का जिसको इस तर, उन्होंने क्या किया था वहाँ पर एक हुक के जरिए वहाँ पर अटका लटका कर रख दिया था जहाँ पर सिर्फ उसका स्कल था और पूरी स्केलेटॉन की जो पूरी बॉडी है वो क्या होती है घूम रही है ओके सो बेसिकली दिस वॉज सम्बॉट इन द नेचर ऑफ कॉमिक रिलीफ तो जैसे ही आ, बच्चों ने देखा

कि मैं ये तो बता सकता हूँ कि यह स्केलेटॉन किसका है मेल का है या फीमेल का है ये स्केलेटॉन फीमेल का था लेकिन मैं आपको ये नहीं बता पाऊँगा कि ये फीमेल का कलर क्या था स्किन कलर क्या था वो काली थी या गोरी थी या वो चाइनीज थी या वो फ्रेंच थी या वो जर्मन थी या वो ग्रीक थी यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं बता सकता हूँ मैं आपको और ना ही उसका कलर बता सकता हूँ एंड फ्रॉम दैट ही सेट द क्लास हैड कंक्लूडेड दैट बेसिकली ऑल पीपल वेअर द सेम द ट्रिमिंग्स माइट बी डिफरेंट बट द फाउंडेशंस वेर ऑल लेड आउट अकॉर्डिंग टू द सेम ब्लू प्रिंट यानी कि ऑडियंस ने क्या कंक्लूड किया इससे कि वो क्या कहना चाहता है कि हर इंसान को सेम ही बनाया है अंदर से ह्यूमन स्केलेटॉन जो है चाहे एक औरतों का हो चाहे वो मर्दों का हो ह्यूमन स्केलेटॉन सेम है वो तो हम है जो डिफ्रेंसिएशन बाहर उनके ऊपर क्रिएट करते हैं उनके आउटर पोर्शन को देखकर आउटर लुक को देखकर लेकिन अंदर से हर कोई क्या है सेम ही है फोन मैन वॉज वंडरफुल ही हैड देम ईटिंग आउट ऑफ हिज हैंड मिस डयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज समथिंग ऑफ एन एंटी क्लाइमैक्स आफ्टर फोर्न मैंस परफॉर्मेंस एंड शी सीम टू रियलाइज इट अब एंटी क्लाइमैक्स जो है वो किसका था मिस डेयर का था जो कि फर्न मैन के रिपोर्ट से बनने वाला था शी स्पोक अबाउट द प्रॉब्लम्स विच ऑल ह्यूमैनिटी हैज़ टू फेस इन टर्म्स ऑफ सिकनेस एंड डिजीज एंड द एडवाटेजेस गेन बाई इंटरचेंज ऑफ नॉलेज एडवाइज एंड असिस्टेंस तो किस पर बात करने वाली थी हमारी मिस डेयर शी वॉज सपोज टू टॉक ऑन

डॉट रिपोर्टेड ऑन द पीरियड ऑफ हिस्ट्री द क्लास हैड स्टडीड द रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड अब मिस डॉट ने किसके ऊपर प्रेजेंट किया हिस्ट्री के ऊपर द रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड यानी कि जब इंग्लैंड रिफॉर्म हुआ उसके बारे में शी टोल्ड ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ़ मैन ऑफ इंडिपेंडेंट स्पिरिट अगेंस्ट क्लैरिकल डोमिनेशन एंड ऑफ द टू ब्रेक फ्राम इस्टिश रिलीजियस ट्रेडिशन यानी रिलीजियस ट्रेडिशन को तोड़ते हुए खत्म करते हुए जो भी आपस में स्ट्रगल रहा है उस वक्त वहाँ उस वक्त लोगों का जो स्ट्रगल रहा है इंडिपेंडेंट स्पिरिट रही है उनकी क्लैरिकल डोमिनेशन जब वहाँ पर होता था तो उस डोमिनेशन को हटाने के लिए जो लोगों का स्ट्रगल रहा है उसके ऊपर उन्होंने क्या की बातें की फ्रॉम दोज अर्ली बिगिनिंग्स ग्रेजुअली ग्रिप द आइडिया ऑफ़ टॉलरेंस फॉर द बिलीव्स एंड कल्चर्स ऑफ अदर्स तो यहाँ पर क्या हो गया जैसे जैसे बिगिनिंग स्टार्ट हो गई उसी के साथ साथ क्या हुआ आइडिया ऑफ़ टॉलरेंस के ऊपर बात होने लग गई फॉर द बिलीव एंड कल्चर्स ऑफ अदर्स एंड द नाउ कॉमन इंटरेस्ट इन ट्राइंग टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड दोज कल्चर्स और अभी कि उन कल्चरों के ऊपर क्या हो रही है आज भी स्टडी की जा रही है कि उन कल्चर को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है डेनहेम्स रिपोर्ट वॉज अ बेट अ शॉक अब डेनहेम की जो रिपोर्ट थी वो थोड़ी सी शॉकिंग थी बिकॉज ही सीवियरली क्रिटिसाइज द जनरल पैटर्न ऑफ पी टी एंड गेम्स एम्फोसाइजिंग द सीरियस ओके अब जो डेनहेम ने जो है वो किसके बारे में बात की थी पी टी और गेम्स यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग्स और गेम्स के ऊपर बात की है उसी के साथ साथ एन्फोसाइजिंग द सीरियस लिमिटेशन ऑफ़ स्पेस ऑप्टेनिंग एंड द इफेक्ट ऑफ दैट लिमिटेशन ऑन द गेम्स एक्टिविटी यानी कि क्योंकि वहाँ पर इक्विपमेंट्स और चीज़ों की काफ़ी ज्यादा कमी हुआ करती थी स्कूल में तो डेनहम ने उसके ऊपर ज्यादा क्या किया है एम्फेसिस के ज़्यादा फोकस किया है he complained that the pt was ill conceived and pointless and the routine monotonous he could see no advantage in doing it a jolly good game was far better yani ki wo yahan par complain kar raha hai ki jo pt hai jo physical training hai wo ill conceived hai हमको उस तरीके से training नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए उसी के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी कमी है जो आज तक पूरी नहीं की गई है अपेरेंटली ही वॉज वॉइसिंग द ओपिनियंस ऑफ ऑल द बॉयज फॉर दे चेयर इम लाउडली यानी कि अल्टीमेटली डेनहम जो है वो क्या कर रहा था जितने भी बॉयज थे उन सबका मिलकर यह ओपिनिय था कि इन सारी चीज़ों की जरूरत है तो हर कोई उसको चेयर कर रहा था उसके लिए अपलॉड कर रहा था

पे मेंशन करने अब इसके बाद क्या हुआ द्लीज स्लिप्स वे आर फोल्डेड एंड प्लेस्ड इन अ हैड जगल विगरसली एंड देन विड ड्रॉन वन बाय वन अब ये जो स्लिप थी उसको क्या किया था सबको फोल्ड करके रख दिया जैसे हम चिट्ठी बनाते ना एक पेपर में नाम लिख कर तो बच्चों ने वैसे ही किया था हर एक चिट्ठियों में टीचर्स के नाम लिख दिए थे और उसको फोल्ड करके कर रख दिया था तो अलग अलग हैड्स में उसको क्या रख कर दिया एक हैट में उन सारी चिट्ठियों को प्लेस कर दिया जगल विगरसली जगल यानी कि अब उसको इंटरचेंज किया जा रहा था मिलाया जा रहा था मिक्स किया जा रहा था एंड देन विड ड्रॉन वन बाय वन और एक एक करके क्या किया गया उसको चिट्ठियों को बाहर निकाला गया अब जब सी चिट्टियों को बाहर निकाला गया तो उसमें से नाम पढ़ रहे थे द नेम्स मिस्टर वेस्टन डेल इवान्स मिस फिलिप्स तो ये है जो है वो तीन टीचरों के नाम निकले डेनम एंड मिस जोसेफ लेट द अदर्स ऑफ़ द स्टेज एंड द टीचर्स टुक द सीट्स तो डेनम और मिस जोसेफ कौन है ये स्टूडेंट है तो उन्होंने क्या किया जितने अदर स्टूडेंट्स थे जो स्टेज पे थे उन सबको नीचे भेज दिया और इन टीचर्स को ऊपर बिठा दिया वेस्टर्न बिग एंड बुशीली अन बिटवीन द टू वुमेन तो यहाँ पर क्या हो गया वेस्टर्न जो है वो आए और आकर दो लेडीज़ के बीच में आकर बैठ गए देन द क्वेश्चनिंग बिगैन अब क्या हो गया जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होना शुरू हो गए कि इनके लिए टीचर्स के लिए आई बिलीव आई वुड हैव गॉन अ लॉन्ग वे टू सी वॉट फॉलोड इट वॉज एन एक्सपीरियंस विच आई शैल नॉट ईजिलीली फॉगेट अब नरेटर बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा इंसिडेंट था मेरे सामने जो चल रहा था जहाँ बच्चे लोग क्वेश्चन पूछने वाले टीचर्स आंसर करने वाले तो मेरे लिए एक अनफॉर्गेटेबल मोमेंट था मैं इन चीज़ों को नहीं भूल सकता था द क्वेश्चन वे मोस्टली फ्रॉम द टॉप टू क्लासेस

कॉट आउट स्टैमनिंग इन दैर इन डिसीजन आप टीचर्स को क्योंकि टीचर्स पहले से डिसाइड नहीं थे कि ये टीचर्स ही बैठने वाले हमारे स्टूडेंट काउंसिल में पैनल मेबर्स बन के बैठेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टीचर्स को किसी तरीके से कोई आइडिया था ही नहीं वहाँ पर तो कहीं ना कहीं वो भी जवाब देने में अपने डिसीजन को सुनाने में क्या कर रहे थे हिचकिचा रहे थे बट हियर अगेन आई रिसीव द बिग सरप्राइज द फ्रिली सीमिंगली ब्रेनलेस मिस यूफेमिया फिलिप्स प्रूफ टू बी द कलेस्ट एंड बेस्ट इनफॉर्म ऑफ द थ्री अब इन तीनों में से जो मिस यूफेमिया फिलिप्स का नाम दिया हुआ है वो थोड़ी सी क्या थी थोड़ी सी स्मार्ट थी आंसर करने में और काफ़ी ज़्यादा कूल भी थी टीचर इन इन जो तीन पैनल्स को बिठाया था उसमें से

कट वेरी रिडिकुलस फिगर इन द फेस ऑफ डेनम्स क्रिटिसिज्म अब वेस्टर्न जो है जो यहाँ पर हमने देखा है वेस्टर्न करके भी एक टीचर है मिस्टर वेस्टर्न जो आकर बैठे थे तो उन्होंने क्या किया उन्होंने भी क्वेश्चन के आंसर देना शुरू कर दिया डेनहम एंड फर्न मेन्स एड्रॉयड क्वेश्चनिंग ही फाउंड हिमसेल्फ कम्पलीटली नॉन प्लस एंड ट्रैक टू ब्लस्टर इज वे आउट विद अ शो ऑफ ऑफेंटेडेडेडेडेड डिग्निटी यानी कि यहाँ पर क्या हो गया जब डेहनम ने क्वेश्चन पूछा था पी टी के ऊपर गेम्स के ऊपर तो कहीं ना कहीं इस टीचर का थोड़ा सा ऑफेंसिव लग गया तो उन्होंने उसके क्वेश्चन का आंसर देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा ही कुड नॉट एफेक्टिवली सपोर्ट द पी टी एक्सरसाइजेस फॉर विच ही वॉज पार्टली रिस्पॉन्सिबल एज हैविंग एनी डेफिनेट फिजिकल एडवांटेज यानी कि वो खुद उस क्वेश्चन के आंसर को नहीं दे पा रहे थे जिसमें वो खुद एज ए टीचर इवाल्व्व आई वो 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 किस में इवाल्व्व थे पी टी फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस में इन्वाल्व थे उसका वो खुद एक हिस्सा है लेकिन एज अ टीचर वो डेनहम के क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे पाए डैनम वॉज अ ट्रेन्ड बॉक्सर एंड इंसिस्टेड डैट सच एक्सरसाइजेज वर ओनली एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिस डेली एंड फॉर मोर सस्टेन पीरियड्स डैनम का कहना है कि वो एक ट्रेन बॉक्सर है तो उसका कहना है कि ये सारे जो गेम्स होते हैं इसके लिए काफ़ी ज्यादा टाइम हमको बच्चों को देना चाहिए सीखने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्योंकि अगर आप दस पंद्रह मिनट का कोई पीरियड रखते हो और उसमें एक्सपेक्ट करते हो बच्चे गेम्स सीखेंगे या फिजिकल ट्रेनिंग ले पाएंगे तो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स इसलिए उसका मानना था कि थोड़ा ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस टाइम जो है वो इनक्रीज़ करना चाहिए और ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग के पीरियड्स भी होने चाहिए पीटी ट्वाइस वीकली फॉर ट्वेंटी वेस्ट ऑफ टाइम ही उसका कहना है जो फिजिकल ट्रेनिंग जो है हम दो बार रखते हैं हफ्ते में दो बार होता है और दोनों ही बार बीस बीस मिनट के लिए होता है तो दो बार अगर बीस मिनट के लिए होगा तो बच्चे उसमें कितना प्रैक्टिस कर पाएंगे कितना सीख पाएंगे वंस अगेन मिस फिलिप्स टुक द रीज एंड हर स्टॉक प्रॉम्पली शॉर्ट अप हंड्रेड फोर्ड यानी कि अब मिस फिलिप्स यहाँ पर इंटरवेन करने लग गए जो काफी स्मार्टली आंसर देना जानते थे बच्चों को तो यहां पर भी उन्होंने इंटरफेयरेंस किया और काफी स्मार्टली आंसर देना शुरू कर दिया शी रिमाइंडेड द स्कूल

फिक्सिंग डेनहम विथ इनोसेंट आइज आर फॉर्चुनेट इन योर ओन फाइन फिजिकल डेवलपमेंट एंड डो नॉट रियल नीड द फ्यू मीगर हेल्पिंग्स ऑफ पी टी एंड गेम्स यानी कि अब वो डेनहम को थोड़ा सा क्या करते हुए मस्का लगाते हुए जैसे हम कहते हैं ना तो उसको एक इनोसेंटली क्या कर रही है उनको आंसर देते हुए बोल रहे हैं कि कुछ लोग लाइफ में फॉर्चुनेट होते हैं नसीब वाले होते तो जो अपने फिजिकल क्योंकि डेनहम एक बॉक्सर था तो क्या बोला जा रहा है आप अपने फिजिकल फिटनेस को ऑलरेडी ध्यान देते हो तो आपको तो इन सारी चीज़ों की जरूरत वैसे भी नहीं है और दूसरे बच्चे इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं तो क्या ही जरूरत है ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके देने की राइट स्कूल कैन ऑफर ट्राई टू रिमेंबर दैट आर अदर्स फॉर हुम इज आइडियली लेकिन ऐसे भी तो बच्चे हैं यहाँ पर जो पढ़ने के लिए आते हैं जिनके लिए हमारे दूसरे प्रोग्राम्स हैं तो वो प्रोग्राम ज्यादा सूटेबल है उन बच्चों के लिए तो उन्हीं बच्चों को क्या करने दो जो बच्चा जिस चीज़ के लिए सूटेबल है उसको वो काम करने दो तो ये जो डिमांड दिन हम की थी वो उन्होंने क्या की फुलफिल नहीं की लेकिन एक स्मार्ट वे में आंसर देकर उसकी बातों को खत्म कर दिया इट मे भी दट समू ओल्डर बॉयज माइट इवन बी एबल टू हेल्प इन दैट रेस्पेक्ट वो बोल रहे हैं कि तुम ही मदद कर दो कुछ स्कूल की दूसरे बच्चों के लिए डेनहम वॉज नॉट टू बी पुट ऑफ बाई दिस शुगरी रिमार्क्स एंड रोज इन रिप्लाई अब डेनहम जो है वो ऐसे मस्के लगाने वाली बातों में आने वाला तो था नहीं इतने शुगरी रिमार्क्स इतनी जो मक्खन लगाकर बातें की जाती डेनम उन बातों में आने वाला नहीं था देन वाई डू वी हैव टू डू पी टी तो फिर बोलता है अगर ऐसी ही बात है कि आप हर चीज़ अवेलेबल नहीं करके दे सकते हो तो हमको फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत ही क्या है क्यों रखा है आपने फिजिकल ट्रेनिंग वाई डोंट दट टेक ओली द किट हू नीडिड आप उन्हीं बच्चों को क्यों नहीं रखते हो जिनको फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत है आपने सबके लिए फिजिकल ट्रेनिंग फिर क्यों ओपन करके रखा है द रेस्ट ऑफ अस कैन हैव अ गेम ऑफ फुटबॉल और समथिंग हम बाकी सारे तो फुटबॉल खेल सकते हैं ना हम तो अच्छे है ना फिजिकली फिट है ना हमको जरूरत नहीं है तो हम फुटबॉल खेल फिजिकल ट्रेनिंग की हमको जरूरत ही क्या है स्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ डूइंग लॉट ऑफ डैफ थिंग्स दैट्स नो गुड टूअर्स इतनी सारी फिजिकल ट्रेनिंग आप हमको देते हो जिसकी हमको जरूरत ही नहीं है हम क्यों करें फिर उनको तो जिनको जरूरत है हमको जरूरत नहीं है दिस वॉज अ पोजो बट शी केव राइट बैक एट हिम यानी कि अब ये सवाल तो काफी इंटरेस्टिंग था लेकिन उसी के साथ साथ क्या हो गया उस टीचर ने क्या किया उसको वापस से आंसर भी किया हर बेबी ब्लू आईज ट्विंकलिंग इन अ डिलाइट एट दिस क्रॉसिंग ऑफ स्टेज अब जो उनकी आइज थी वो अपने बड़े प्यार से डेनहम की तरफ देखते हुए क्या करती है उसको रिप्लाई करती है लेट से इट इज एज मच एन एक्सरसाइज ऑफ द माइंड एज इट इज ऑफ द बॉडी डेनहम यानी कि जैसे माइंड को एक्सरसाइज की जरूरत है वैसे ही हमारे बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत है तो उसी एक्सरसाइज को समझते हुए हमने फिजिकल ट्रेनिंग रखी है द होल टाइम टेबल इन द स्कूल इज मैंट टू हेल्प यू इन द वर्ल्ड आफ्टर यू लीव यूर एंड डूइंग वॉट यू आर टोल्ड इन स्पाइट ऑफ नॉट लाइकिंग इट इज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग यानी कि जो पूरा टाइम टेबल सेट किया गया है वो किस लिए सेट किया गया है ताकि हम आपको वो उस दुनिया के लिए हेल्प कर सके जो आप यहाँ से स्कूल जब छोड़कर जाने वाले हो एंड डूइंग व्हाट यू आर टोल्ड इन स्पाइट ऑफ यू आर नॉट लाइकिंग इट तो टीचर ने यहाँ को क्या कर दिया जब आप स्कूल छोड़ देते हो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो कहीं बाहर चले जाते हो तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है ना तो टीचर ने यही जवाब दिया हम तो आपको ऐसी दुनिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि भले आपको ये चीज़ पसंद हो या ना हो आपको क्या करना है उसको एक्सेप्ट करना ही है आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है आई फील श्योर दैट यू विल सी द पॉइंट इन दैट अब टीचर बोलती है मुझे पक्का पता है कि तुमको कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो वैलिड लगेगा ही दैट स्टॉप्ड हिम अब क्या हो गया ये सुनने के बाद जनम जो है वो चुप हो गया पुअर डेनम न्यू देट हीट बिन आउटविटेड बट ही कुड डू नथिंग अबाउट इट अब डेनम को क्या लगने लग गया कि चलो ठीक है ये जो टीचर बोल रही है उस बात को मान ही लेते हैं क्या कर सकते हैं उन्होंने जो जवाब दिया वो सही है ठीक है हम एक ऐसी दुनिया में जाने वाले स्कूल छोड़ने के बाद जहाँ हम किसी से लड़ाई झगड़े तो नहीं करने वाले किसी से बहस करके मतलब नहीं जो बोलेंगे हमको क्या करना है उन्हीं के हिसाब से चलना है

ज डीप अप्रीसिएशन ऑफ दर एफर्ट्स तो जैसे ये सेशन क्वेश्चन के टीचर्सिंग के में, में किसी भी ओकेजन के पहले उसी तरीके से अपनी प्रोसीडिंगस दी सबको अपना प्राइड बताया एनकरेज किया अपने व्यूज ओपिनियंस एक्सप्रेस किया और उसी के साथ साथ क्या हो गया सबको अप्रीशिएट करते हुए कि हर बच्चे ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा दिया है अच्छा सेशन रहा है ये सारे लेक्चर्स देते हुए क्या कर दिया उस सेशन को जो है वो कंप्लीट कर दिया और इसी के साथ साथ हमारा भी जो लेक्चर है हमारे नॉवेल का फोर पॉइंट टू टू सर्व लव जो है वो खत्म हो चुका है नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा जिसमें हम अपना ब्रेन स्टॉमिंग सेशन जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड इन केस इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन स्टेट यू टू अर लेक्चर्स थैंक यू